नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करा दर्शकों, और बड़ी खबर दरअसल जो है, हाई कोर्ट ने कुश्ती संघ के चुनाव पर रोक लगा दी है और ये बृजभूषण शरण सिंह को एक बहुत बड़ा झटका। भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के अध्यक्ष पद के चुनाव पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार यानी 11 अगस्त को रोक लगा दी। इलेक्शन को लेकर वोटिंग शनिवार यानी 12 अगस्त को ही होनी थी। WFI के चीफ बनने की चुनावी दौड़ में राष्ट्रमंडल खेल 2010 की चैंपियन अनीता श्योरन और कुश्ती महासंघ के निवर्तमान चीफ बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह हैं। हाल ही में बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया सहित कई खिलाड़ियों ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया था कि सिंह ने महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया है। प्रदर्शनकारी पहलवान लगातार मांग कर रहे थे कि सिंह को WFI के चीफ के पद से हटाया जाए। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों का यौन शोषण करने का आरोप लगातार जंतर मंतर पर 2 महीने तक विरोध प्रदर्शन करने वाले 6 पहलवान अनीता श्योराणा का पक्ष ले रहे हैं। अनीता बीजेपी नेता के खिलाफ लगातार लगाए गए यौन शोषण के आरोपों में गवाह भी शामिल हैं। पीटीआई बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक गुट के करीबी सूत्रों के हवाले से बताया कि इन पहलवानों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की और उन्हें गृह मंत्री अमित शाह से बैठक के लिए समय मिलने की उम्मीद की है। सूत्रों ने कहा कि कुछ मध्यस्थ ने उन्हें आश्वासन दिया है कि आज संसद सत्र के बाद गृह मंत्री अमित शाह से मिल सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि मीटिंग के दौरान पहलवानों ने कहा कि उन्होंने बृजभूषण सिंह के रिश्तेदार के WFI चुनाव में नहीं उतारने की मांग की थी। इसका मतलब यह भी था कि उनका कोई करीबी भी चुनाव न लड़े। सूत्रों ने कहा, संजय सिंह बृजभूषण शरण सिंह के बेहद ही करीबी हैं। अब सवाल ये है कि घूम फिर कर क्या बृजभूषण अपना दबदबा लगातार उस पर बनाना चाहता है, और ऐसा है तो फिर गलत है। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़।